फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट आपकी वर्कशीट नंबर 39। डेट है आपकी 9 दिसंबर। सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्लास है 7। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एशेज डैट मेड ट्री ब्लूम। ये जो चैप्टर है हम पिछले काफ़ी वर्कशीट से पढ़ रहे हैं, तो उसके आगे का हम कुछ पार्ट देखने वाले हैं, कुछ लाइंस पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों वर्कशीट का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे बहुत सारे प्राइजेस आप जीत सकते हैं। अगर आप प्राइजेस जीतना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को करना है लाइक और करना है एक प्यारा सा कमेंट, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी ये वर्कशीट। फर्स्ट देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग। तो यहाँ पे क्या था कि जो डॉग था जिसका जो क्रूअल ओल्ड कपल थे उन्होंने मार के गाड़ दिया था, उस वो जो डॉग था उस दूसरे जो हैप्पी ओल्ड मैन थे मतलब जो अच्छे वाले ओल्ड मैन थे उनके सपने में वो डॉग आया था और उन्होंने फिर जो है उसे बताया, मतलब उन्होंने बोला था डॉग ने कि आप जो है ये पेड़ काटो, उसको ये ट्री काटने को बोला था। तो इसलिए जो ओल्ड मैन थे वो गए और उन्होंने ट्री को काटा। ठीक है, कहाँ से काटा? मिडिल से, मिडिल ऑफ द ट्रंक मतलब जो बीच की टहनी होती है, बीच का जो टहनी होती है उसको काटा। अबाउट 2 feet लॉन्ग मतलब 2 feet लंबा उसको काटा। विद ग्रेट लेवल मतलब बहुत ही मेहनत से, पार्शली बाय द चीजल ही स्क्रैप्ड आउट द हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल। तो यहाँ पे जो है उन्होंने फायर के द्वारा, और चेजल होता है जो काटने वाली चीज़ होती है, चाकू की तरह होता है जिससे हम लकड़ी काटते हैं उसको कहते हैं सीजल। ठीक है, ही स्क्रैप्ड आउट द हॉलो प्लेस, उन्होंने बीच से उसे बिल्कुल हॉलो कर दिया, एक कटोरी की तरह बना दिया, किसकी तरह? कटोरी की तरह। एंड देन मेड अ लॉफ हैंडल हैमर ऑफ वुड, और उन्होंने जो है वुड से ही एक हैमर भी बनाया, सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जो कि राइस को यूज, जैसे हम बनाते नहीं, वो होता है चावल कूटने वाला जो होता है ना, जिसमें हम धान कूटते हैं जिससे चावल बनता है, तो उस तरीके से ही उन्होंने बनाया। एक ये हैमर हो गया और एक ये कटोरी सी हो गई, किसके लिए? पाउंडिंग राइस, राइस को कूटने के लिए। व्हेन न्यू ईयर्स कम, न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब धीरे धीरे जो नया साल का समय था वो पास आने लगा, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उन्होंने सोचा कि हम राइस पेस्ट्री बनाएंगे। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉयल्ड, और राइस को जब बॉयल किया, ग्रेनी पुट इट इन टू द मोटर, और उन्होंने बाउल में जो मोटर था उसमें उसे पुट कर दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड द हैमर, ओल्ड मैन जो बूढ़ा व्यक्ति था वो हैमर को लिफ्ट करने लग गए, टू पाउंड द मास इन टू डो, और जो राइस था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? डो में, मतलब उसको कूट कूट के चावल को डो में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक पतला सा वो बना दिया। ठीक है, एंड ब्लू फील हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज रेडी फॉर बेकिंग, और जब तक वो उसे कूटते रहे जब तक कि वो पेस्ट्री बनने के लिए रेडी नहीं हो गई। सडनली द होल मास टर्न इन टू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अचानक से जो वो हीप था मतलब अचानक से जो जिसे वो कूट रहे थे वो अचानक से क्या बन गया? गोल्ड कॉइन बन गया। व्हेन द ओल्ड मैन टुक द हैंड मिल, और जब उन्होंने हैंड मिल को देखा जिसे वो कूट रहे थे उसको देखा, एंड फिलिंग इट विद बीन्स अगेन टू ग्रिंड, और उसे दोबारा से जो है ग्रिंड करने लगे वो, द गोल्ड ड्रॉप्स लाइक रेन, तो वहाँ से जो है सोने की बारिश होने लगी। क्या होने लगी? सोने की बारिश होने लगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। ट्रंक कहते हैं बच्चों हम टहनी को। ठीक है, टहनी मतलब जो होता है ना ये पेड़ का जो ये वाला हिस्सा होता है इसे हम ट्रंक कहते हैं। ठीक है, तो ट्रंक क्या हो जाएगा? वुड इज स्टेम ऑफ ट्री। ठीक है, वुड इज स्टेम ऑफ ट्री, और ये किससे मैच कर दोगे आप? इससे मैच कर दोगे। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है? वर्ड दिया गया है, मीनिंग दी गई है, और पिक्चर दी गई है, मैच करना है इन तीनों को ही। ठीक है, अब आगे है, ये आगे है सीजल। तो सीजल मैंने आपको बताया था कि एक ये शार्प इस तरीके का होता है जिससे हम लकड़ी काटते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका सीजल। इसका देखते हैं, टूल विद करेक्टली शेप्ड कटिंग एज। ठीक है, रिपीटेड हैवी हिटिंग स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका
और इसको इससे मैच कर दोगे आप, ठीक है। पाउंडिंग का मतलब होता है आपको क्रश करना, ठीक है, बार बार तोड़ना उसे, हिट करना उसको बार बार। तो पाउंडिंग का मतलब हो जाएगा रिपीटेड एंड हैवी हिटिंग और स्ट्राइकिंग। तो इसका पिक्चर जो हो जाएगी, ये हो जाएगी, देखिए यहाँ पे हिट कर रहे हैं उसको। डो का मतलब होता है डो, जैसे हम आटा गूंद के लगाते हैं ना, तो उसे हम डो कहते हैं। अ थिक मिक्सचर ऑफ फ्लोर एंड लिक्विड यूज टू मेक ब्रेड, ठीक है, जो हम रोटी बनाने के लिए जो डो बनाते हैं आटे और पानी का, उसे, ये देखिए ये रहा डो, मैं आपको थोड़ा सा इधर आके दिखा देती हूँ, ये इसे कहते हैं डो, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स पिक्चर दिस, रीड द लाइन सेंटेंस एंड मैन मेक देम द करेक्ट इमेज। और ये जो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको यहाँ पे करेक्ट इमेज से मैच करना है कि कौन सा इमेज इसके ऊपर सूट करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो आपका लाइन दिया गया है, ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर, उन्होंने जो है एक लंबा हैंगर बनाया, सच एज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जो कि पाउंड राइस को पाउंड करने के लिए यूज होगा। तो देखिए ये रहा हैमर, है ना, हथौड़ा बोलते हैं हैमर को, तो इस तरीके से हैमर बनाया। When the old man looked the handmill and filling it pins being to grind and gold drops like rain, तो यहाँ पे गोल्ड बरसने लग गए, ठीक है, क्या बरसने लग गए, गोल्ड सोने की बारिश होने लगी। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, जैसे ही उन्होंने हैंडमिल को घुमाया क्रश करने के लिए, वो जो है सोने की, यहाँ पे देखिए बारिश होने लगी। When the rice was all boiled, जब राइस अच्छे तरीके से उबल गया, ग्रेनी पुट इनटू द मोटर, ग्रेनी जो है उसको मोटर में, मतलब कटोरे में डाला, बाउल में डाला। द ओल्ड मैन लिफ्टेड द हैमर, ओल्ड मैन जो है हैमर को लिफ्ट कर रहे थे, देखिए ये रन के हाथ में हैमर, ठीक है, हिज हैमर टू पाउंड, किस क्या करने के लिए, पाउंड को, मतलब पाउंड करने के लिए, जो राइस था ना, जो राइस इसमें इन्होंने पलटा था, उस राइस को पाउंड करने के लिए, ग्रंड करने के लिए, और उसको डो में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो पिक्चर है वो इससे मैच हो जाएगी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है, रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे लिखा है व्हेन द ओल्ड मैन फिल्ड द हैंडल, व्हेन द ओल्ड मैन फिल द हैंडमिल विद बीन्स, ठीक है। तो ये देखते हैं हम सेंटेंस कहाँ लिखा है। देखिए ये लिखा आपका ये सेंटेंस, व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंडमिल एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगिन टू ग्रिंड एंड गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन। तो ये पूरा सेंटेंस आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है बच्चों, कहाँ पे लिखोगे आप, यहाँ पे, ये पूरा, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की बख्शी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों, टेक केयर।